स्वादिष्ट जवाब नहीं तोड़ी नहीं है मजा पूरा मजा आ रहा पूरा। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका नाज की दुनिया में और सबको मेरी तरफ से वेरी 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 हैप्पी होली और बहुत ज़्यादा सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें और आज खूब सारा होली का एंजॉय करें, कलर लगाएं और बहुत सारा सबको कलर में भिगाएं और जिस जिसके दिल में जो जो है पाप उसको आज कलर से धो लीजिएगा आप। अच्छा लगा ना? तो गाइस होली के टाइम पे देखिए मेरी फैमिली और कन्नू हैप्पी होली। कन्नू मेरा बेटा है रेडी एकदम, तो से हैप्पी होली नहीं बोलेगा गाइस, अगली साल नेक्स्ट पक्का बोलेगा कन्नू, है ना? नेक्स्ट ईयर है ना कन्नू, पक्का आप सबको हैप्पी होली बोलोगे? बोलूंगा यस। तो गाइज हम सुबह सुबह उठ चुके हैं, 5 बजे उठे थे, अब तो बज गए 8 और हम 3 घंटे से दोनों लगे हुए हैं, कन्नू के पापा और मैं, हमने सारा कुछ रेडी कर दिया है और हम आपको दिखा देंगे कि हमने क्या क्या रेडी किया है। एक्चुअली क्या है गाइज, आप सभी को पता है कि अभी 2 मंथ हुए ना मम्मी को, 3 मंथ पहले हमारी मम्मी मतलब सर की मम्मी मेरी सासू माँ एक्सपायर हुई हैं, तो उस वजह से हमारे घर में थोड़ा सा सभी लोग आएंगे जाएंगे क्योंकि कोटा त्यौहार जैसे कि बोलते हैं, तो सभी लोग हमारे घर आएंगे जाएंगे, तो इस वजह से हम लोगों सुबह ही सारा रेडी कर दिया है। और देखिए हमारी मम्मी हमेशा कहती थी कोई भी त्यौहार हो बहुत खुशी से मनाना चाहिए, आने वाले जाने वाले आते हैं और जाते हैं और सारी खुशियाँ ज़रूरी नहीं है कि वो अपने साथ लेके जाएं, और हमारी मम्मी तो हमें जाते जाते भी बहुत सारी खुशी देगी। जैसे कि आप सबको पता है हमारे बड़े वाले भैया के पहले ही बेटा हो गया था 1st मंथ में, तो हमारे सारी चीज़ें जो थी हमारी मम्मी तो हमें दुखी ही नहीं करके गई बिल्कुल भी, सारी साथ अपने साथ साथ खुशियाँ पहले देकर गई। तो इसलिए गाइस जितना हो सकेगा हम आज होली को एंजॉय करेंगे और सब सबका स्वागत है, सब लोग आइए, सबका इंतज़ार है। मगर आप जब तक ब्लॉग देखोगे होली खत्म हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में कन्नू के पापा के साथ और हमने क्या क्या तैयारी की है मैं आपको दिखाती हूँ, चलते हैं फिर। चलो गाइस मैं यहाँ गई थी नीचे, हमने यहाँ किया है सिटिंग इंतज़ाम क्योंकि जो लोग आएंगे वो यहीं बैठेंगे जैसे कि बाबा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने रख दिया अपने गुलाल, आप देख सकते हैं, ये देखिए ज़्यादा नहीं लाए हम, थोड़े से लाए क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा खेलेंगे, है ना कन्नू? थोड़ा ही थोड़ा खेलेंगे ना कन्नू? रंग बरसे ओ। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना नाश्ते का इंतज़ाम जो हमने किया है गाइस, ख़ास करके बाबा ने ज़्यादा मेहनत की है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नमक पारे, ये देखिए नमकीन, खस्ता, सेव, चिप्स, सौंफ और ये हमारे दही बड़े और ये उसकी चटनी, ये बिस्किट, गुजिया, दूसरी टाइप के चिप्स, दूसरे टाइप की खस्ता, दूसरे टाइप के आलू के पापड़, जलेबी, ठंडाई, कोल्ड ड्रिंक, पानी और ये देखिए मस्त कुल्हड़, आप देख के खुश हो जाइए और साथ में मिलकर खाइए, ठीक है गाइस? तो अभी कोई आया नहीं है, जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको मिलवाते जाएंगे। प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी मेहनत कैसी थी, आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो अभी हम होली को एंजॉय करते हैं, बाय बाय। हैप्पी होली। लाल वाला। हैप्पी होली। क्या होली? ये अपने तो लगा लो। होली। ये सारे रंग खत्म कर देगा। मम्मा के रेड वाला। अरे इधर इधर कन्नू इधर। मम्मा के डरता है कन्नू। मम्मा के नहीं 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 आ जा। ये कर रहा मस्ती वाला लड़का, देखो हैप्पी होली।
खुद ही लगा ली। बस करो बस कन्नू बस सब कर कहते हैं ये। लो कन्नू के लाहौली तो ओ दो ना लो ये असली दू लो साला होली नहीं खेल रहे थे तुम लोग। मैं बताता हूँ पीला भी लगाना है अब मिक्स बनाता हूँ बढ़िया वाला कलर। नहीं बेटा सब मिक्स हैप्पी होली मिल सकते हैं। और ये पंडित जी और ये हमारे बड़े पंडित जी, आप तो इनसे मिल चुके हैं। नहीं ना नहीं दिखाना। आपको कैसा लग रहा है पंडित जी, कुछ बताइए। बहुत अच्छा लग रहा, अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है, अच्छा। और भाभी आपको वेरी वेरी गुड है भैया, सब व्यवस्था ओके है। थैंक यू थैंक यू। तो गाइस जैसा कि आपको पता है क्या शब रात है, तो मैं निफिल वगैरह पढ़ रही हूँ और नींद भी आ रही है। तो गाइस थोड़ा सा नींदी नींदी से फील हो रही है मुझे, सॉरी। कहते हैं ना कि अब हम लोग जब डांस वांस करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब इबादत करते हैं तो भाई इतने नींद आती है ना बहुत ज़्यादा, यानी कि शैतान बेकार है भाई सब पूरी। तो गाइस
यहाँ पे मैं बैठी थी अपना चाय वगैरह थोड़ी सी ले लूँ और फिर सलाम वगैरह पढ़ूँगी, उसके बाद गाइस थोड़ी देर सोऊंगी मैं। फजर का टाइम तो हो ही चुका है, तो नमाज वगैरह पढ़कर थोड़ी देर सो जाएंगे, उसके बाद उठेंगे तब आपसे मिलेंगे गाइस। क्योंकि आप देख ही रहे हमारा ब्लॉग कल से कंटिन्यू चल रहा है, होली के बाद अब शबे बारात और नमाज पढ़ के और जो भी इबादत की है उस ऊपर वाला कबूल करे, जिस सूरत में भी करे बस कबूल कर ले। अपनी तरफ से हमें जो हमारे फ़र्ज़ हैं वो हमें अदा करने चाहिए, बाकी हमारा ऊपर वाला मालिक है। कहने वाले जो कहें वो कहते रहें, जो मन करता है वो करती हूँ, दिल से जो आवाज़ आती है उसे पूरा करती हूँ, बाकी आप सब जानते हैं आपको क्या बताना। तो ठीक है गाइस, फजर की नमाज़ पढ़ लूँ मैं, उसके बाद थोड़ी देर सोऊंगी, फिर मिलेंगे गाइस आपसे थोड़ी देर में। क्योंकि कुछ लोगों के आज हमें जाना है, तो रास्ते में मिलेंगे या फिर सुबह मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, ओह माय गॉड, देख सकते हैं मेरी क्यूटी की स्माइल। तो जैसा मैंने आपको सुबह दिखाया था कि मैं कितनी सुबह सुबह उठी थी, है ना गाइस, पूरी रात जगने के बाद। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जाएंगे, तो हम लोग निकल रहे हैं और बाबा और मैं और कन्नू। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे भैया के घर, जो बड़े भैया हमारे एक्सपायर हो गए थे पिछले साल, तो होली पे जाते हैं गाइस। तो जैसे मैंने बताया था कि होली पे जाते हैं, तो हम जा रहे हैं गाइस, और वहाँ से देखो कहाँ जाते हैं। आज घूमने का प्लान है पूरा दिन, और बाबा धच्चियाँ दे रहे हैं गाड़ी को ताकि मैं अच्छे से नहीं बना पाऊँ ब्लॉग, है ना। तो चलो गाइस कहीं पहुँच कर मिलते हैं आपसे, बाबा को तो देख लो। तो गाइस हम घूम कर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमारे पास फोन आ चुका है और कुछ गेस्ट हमारे घर आ रहे हैं, तो इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ रहा है ना कन्नू, है ना। तो बीच में हम कन्नू की नानी के भी गए, लेकिन हमने वहाँ वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जैसे ही जाकर बैठे वैसे ही फोन आ गया, तो हमें इसलिए वापस जाना पड़ रहा है। तो हम घर जाकर आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, जो भी आएगा हम आपको वीडियो में दिखा देंगे, है ना कन्नू। कन्नू के ताऊ भी नहीं आए आज, ना कन्नू के ताऊ की कॉल आई है, तो कन्नू के ताऊ की हमें कन्नू से पट्टी लगवानी पड़ेगी, है कन्नू, ठीक है ना, अभी फोन करते हैं। ओके ओके ओके। बहुत बेहतरीन स्वादिष्ट जवाब, नहीं तोड़ी नहीं है, मजा आ रहा पूरा। तो ठीक है, और देखो इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये देखो सब जयमाला की बता ये है रवि, और देखो ये सारे भाई लोग हमारे। क्या टूटा, एक चीज और टूटी आज, 27 ग्लास टूट चुके हैं। बहुत बढ़िया फुल मजा आ रहा है। हाँ भाई खाना फाना खाया, मजा आया नहीं आया ये बताओ पहले तो। हाँ भाई हाँ मौसी, कितनी आँख मारी आज तुमने आज, बहुत मारी है भैया, पता ना कहाँ कहाँ लगी है। अरे भाई समरी रिकॉर्ड कर लेगा मैंने, भाभी और कैमरा पूछ रहे कैसा लग रहा खाना, देख लो। बताओ बताओ बताओ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना तो लगा लगा खिलाने वाले दोनों मौसी और सास भी चल रहे हैं। भाई खीर बहुत मस्त लगी, नवीन ने पांच कटोरे खाई। कन्नू
कन्नु इधर आओ काम। ओ ये देखो कन्नू मम्मा के बाल बनाते हुए कितनी मेहनत कराती है मम्मा। बाकी यार छोटे से बच्चे से ही मतलब यार अभी तो 1.5 साल के भी नहीं हुए है मम्मा के बाल बनाने शुरू कर दिए। नजर क्या लगा रहा हूँ देखो तुझे कितनी मेहनत करा रही हो क्या से कोई देखेगा तो क्या कहेगा देखो जब हाँ बालों में तेल डाल दो हाँ मसाज कर दो मेरा भाई मसाज कर रहे हैं भाई साहब ये नजर लग जाएगी तुझे मान जा मसाज कर दो है मम्मा की। हाँ हाँ ऐसी तो गाइस आप देख रहे होंगे बालों में करी है ऑयलिंग कपड़े वगैरह सब चेंज हो गए और अब करेंगे रेस्ट। सारे गेस्ट जा चुके हैं आज बहुत सारे गेस्ट आए और मैंने खाना बनाया सबके लिए जो कि मैं वीडियो आप देख लेंगे वीडियो में। तो गाइस बहुत सारा एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा सब लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ लोग रुके हुए हैं तो वो शायद कल जाएंगे तो तब तक के लिए हम भी आपसे फिर कल ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस। बहुत अच्छा दिन गया आज का भी और कल का भी तो जो दोनों आप देख ही लेंगे दोनों डेज आप क्योंकि मैंने दोनों डेज एक साथ कवर किए हैं तो कल का और आज का आपको एंजॉयमेंट मिलेगा अच्छे से। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा और साथ में बने रहिए और मज़े करिए। तो इसी के साथ आज करते हैं बाय बाय अलविदा गुड नाइट टेक केयर। तो स्वस्थ रहिए मस्त रहिए अपना ध्यान रखिए और साथ में अपने घर वालों का ध्यान रखिए क्योंकि अब समय थोड़ा सा बदलेगा मौसम चेंज होगा होली मतलब सर्दी जा रही है गर्मी आ गई है सडनली गर्मी आ गई है तो इसलिए अपना ध्यान रखिए फैमिली का ध्यान रखिए बच्चों का ध्यान रखिए साथ में रहिए प्यार से रहिए और बस बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।